नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आप सबका मोहित टेक्निकल साइट पे। आज मैं अप्रैल वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं जो एनओएस की तरफ से है, जो उनके प्रमोशन से रिलेटेड है, उनके एग्जाम से रिलेटेड है। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर से देखते रहना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। वीडियो को भी लाइक कर दें। इसमें मैं आपको अप्रैल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो एनओएस की तरफ से है कि आप जो है प्रमोशन हो सकता है आपका या नहीं हो सकता, या फिर आपके एग्जाम्स जो हैं पोस्टपोन होने वाले हैं, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपके जो रिलेटेड रहेंगे आपके TMA के बेसिस पे। तो सबसे पहले जो है आप अपने TMA ज़रूर से सबमिट करें। अगर आपको प्रमोशन मिलता है तो आपके TMA के बेसिस पे ही मिलेगा आपको प्रमोशन। तो TMA जैसे कि आप सबको पता है आजकल ऑनलाइन ही सबमिट हो रहा है, तो आप जो है ऑनलाइन ही ज़रूर से सबमिट करें। अगर आप ऑफलाइन सबमिट करते हैं स्टडी सेंटर पर जाकर, तो वहाँ से जो है अपनी TMA की स्लिप लेना ना भूलें, तभी आपको जो है मार्क्स मिल पाएंगे। साथ में आप जो है अपनी एग्जामिनेशन फीस ज़रूर से भर दें, क्योंकि बिना एग्जामिनेशन फीस के आपको जो है प्रमोशन नहीं मिल पाए, या फिर अगर एग्जाम्स भी होते हैं तो आपका जो है एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं होगा। तो अपनी एग्जामिनेशन फीस ज़रूर से भर दें। 31 जनवरी उसकी लास्ट डेट है, 31 जनवरी से पहले पहले भर दें, और उसके बाद भरेंगे आप तो आपकी जो है लेट फीस लगेगी। तो जल्द से जल्द आप ये दो काम ज़रूर से कर लें। अगर आपके एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं, अगर आपको प्रमोशन मिलता है, तो इन्हीं के दो बेसिस पे आपको जो है प्रमोशन दिया जाएगा। तो जो है ना उसकी तरफ से इम्पोर्टेंट है, क्या सही में आपको प्रमोशन मिलने वाला है? तो जैसे कि मैं आपको सबसे पहले ये दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो आर्टिकल छापा गया है ये हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से छापा गया है। तो इस आर्टिकल में क्या बताया गया है, जैसे कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे हैं, COVID-19 के जो केसेस हैं वो 3 लाख से भी ऊपर जो है आ रहे हैं, और 440 जो डेथ्स हो चुकी है, और पॉजिटिविटी रेट जो है जो COVID-19 की हर रोज़ बढ़ रही है वो जो है 21% के करीब हो चुकी है। तो हर रोज़ जो है केसेस जो हैं बढ़ रहे हैं, हर रोज़ जो है ऐसी COVID-19 के केसेस ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। अब तो ICU में भी और हॉस्पिटल्स में भी भीड़ लगनी चालू हो चुकी है। तो इससे जो है NOS ने देखा, और इसको जो है देखते हुए NOS की तरफ से अभी ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो जैसे कि प्रैक्टिकल होने के बाद आपके जो है पोस्टपोन किए जा सकते हैं। और आपके जो है प्रैक्टिकल के लिए भी बात की कि अगर उस टाइम भी अगर कोविड के केसेस ज़्यादा रहे प्रैक्टिकल के टाइम, तो शायद से NOS ने कहा है कि आपके जो प्रैक्टिकल हैं वो भी पोस्टपोन किए जा सकते हैं। तो प्रैक्टिकल पोस्टपोन होने के लिए आपके लिए नोटिस भी आ सकता है अगर जो है कोविड के केसेस ज़्यादा रहे। अगर कोविड के केसेस डाउन रहे, जैसे कि आप जो है इन्फॉर्मेशन जैसे कि दिल्ली में आप देख पा रहे हैं कि दिल्ली में जो कोविड के केसेस है वो बहुत कम है, हर रोज़ जो है घटते जा रहे हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया ये जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। तो डिपेंड करेगा कि कोविड के केसेस किस दिशा में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे ही आपके जो है सिचुएशन बनती है, जिस अकॉर्डिंग बनती है, उस अकॉर्डिंग जो है आपके लिए फैसला लिया जाएगा। एंड उसकी तरफ से सिर्फ इतनी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपका जो एग्ज़ाम्स का जो फैसला है वो जो है कोविड की सिचुएशन को देखते हुए लिया जाएगा। जैसे ही कोविड की सिचुएशन बदलती है तो उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो आप जो है दो चीज़ें ज़रूर से कर लें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अपना जो है TMA ज़रूर से सबमिट कर लें और अपनी एग्ज़ाम फीस भी ज़रूर से भर दें। तो है ना उसकी तरफ से ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि ये दोनों चीज़ें जो हैं आप कंप्लीट करके रखें, उसके बाद जो है अपनी प्रैक्टिकल फाइल भी बना कर रखें, ताकि अगर कुछ भी जो भी जैसे भी सिचुएशन बनती है आपका उसी सिचुएशन के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। तो दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी NOS की तरफ से कि आपके जो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने की जो फैसिलिटी है वो भी तैयार की जा रही है। NOS जो है बोल रहा है कि अगर कोविड के केसेस बढ़ते हैं तो NOS ने पूरी पूरी जो तैयारी कर रहा है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन लिए जा सके। इसी साल से जो है तैयारी शुरू कर रहा है, इसी साल से जो है चालू करने वाला है। NOS ने ये कहा है कि कोशिश है कि इसी साल से जो है हम आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन लेने लग जाएं, ताकि जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो भी ना छूटे, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनके जो हैं उसके अकॉर्डिंग जो है मार्क्स आ सकें। आपके जो हैं जो बच्चे मेहनत नहीं करते और जो सिर्फ प्रमोशन चाहते हैं, आप भी अपनी पढ़ाई जो है चालू कर दीजिए, क्योंकि NOS पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन लिए जा सके। अगर आपके एग्ज़ाम्स के लिए नोटिफिकेशन आ गया कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन लिए जाएंगे, तो आपको एग्ज़ाम्स ऑनलाइन देने पड़ेंगे, उसके लिए भी आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। तो आप जो है अपनी पूरी तैयारी करके रखिए, अपने प्रैक्टिकल भी बना कर रखिए, और अपने लिए जो है पढ़ाई भी करते रहिए। और दोस्तों अगर आपको पढ़ाई करनी है और अच्छे से मार्क्स लाने, तो उसके लिए मैंने आपके लिए वीडियो पहले से बना रखी है कि आप जो है NOS के अंदर अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं, कैसे आप अपना जो है स्कोर अच्छा कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स में।
आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि हाउ टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स के लिए आपके लिए वीडियो बना रखी है कि आपको जो है क्या क्या करना है, किस लेवल पे कहाँ तक जाना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। अगर आपको प्रैक्टिकल की फाइल तैयार करनी है उसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आपको प्रैक्टिकल फाइल कहाँ से मिलेगी, लेटेस्ट अपडेटेड प्रैक्टिकल फाइल जो है आपके कहाँ से मिल सकती है वो भी आपके लिए वीडियो बना रखी है, आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इतनी ही थी जो एनओएस की तरफ से थी। तो ये सारी जो एलिजिबिलिटीज़ हैं इनको जो है कंप्लीट करके रखिए, तभी आपको जो है प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।